ये जो अहमदाबाद एक्सीडेंट हुआ ये बहुत ही दुखद है। ये पढ़ के देख के ऐसे सुन के ये गाड़ी ने 9 लोगों को रौन दिया, उड़ा दिया। बहुत ही दुख होता है कि जिनका जाने का समय नहीं था इस तरीके से उनको जाना पड़ा। लेकिन हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट से कहीं ना कहीं हमको एक सबक भी मिलता है, और वो सबक आगे ऐसा ना हो, हमको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये जो एक्सीडेंट हुआ इसको नेग्लिजेंस भी बोल सकते हैं, ह्यूमन एरर भी बोल सकते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो नेशनल हाईवे पे जो ट्रक और थार गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उसको देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उस समय अगर वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस होती या उनको वहाँ से हटाना चाहिए था, और ऐसे एक्सीडेंट साइट पर जो नेशनल हाईवे पर होते हैं तुरंत वहाँ पर बैरिकेडिंग कर देना चाहिए, क्योंकि नेशनल हाईवेज पे हमेशा गाड़ी स्पीड में ही रहती हैं। और ये भी मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, और ये भी हो सकता है कि वो जो जैगुआर गाड़ी में था, जो भी चला रहा था, वो जब वो वहाँ से मतलब वो जब चल रहा था बीच में रास्ता साफ होगा, अचानक ये साइड पे उसका कंट्रोल नहीं था क्योंकि गाड़ी इतनी स्पीड में थी। तो बोलने का पॉइंट है कि ऐसे जब भी एक्सीडेंट हो तुरंत आप वहाँ पे बैरिकेडिंग कर दो और वहाँ पे साइन लगा दो, ताकि फ्यूचर में ऐसा एक्सीडेंट ना हो और ये ऐसे दुर्घटना टाली जा सके। दुर्घटना बहुत दुखदपूर्ण है, लेकिन इससे हमें सबक लेने की ज़रूरत है।